शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे लिए सबसे प्रथम मैं हूँ। अपनी माँ की जगह लेगी तू लाल बस्ती में? किसी भक्त को भगवान से दूर करते आपको शोभा नहीं देता। धंधा बंद कर दूंगा मैं। अरे अरे, अरे ये क्या, आपने तो हमें गीला कर दिया। खैर कोई बात नहीं। चमेली, रूपाली, बिजली, कहाँ सब? नमस्ते। हमार नाम है चमेली। ओ जलेबी बड़ी रसीली। अरे हम कच्चू सो, हम कच्चा टो, बस थोड़े से दाम में बाबू। अरे चाचा शुक्रिया। नदी है बाबू, नदी। अच्छा अच्छा। और उसके साथ तो आपको कूदना भी पड़ेगा, डूबना भी पड़ेगा। हमरे पास आओ, बरखा है बरखा। कैसी बरखा? बस लेटे रहना। क्यों लेटे? बाकी का हमरा। क्या मतलब? आपको भिगोएंगे भी। भिगोएंगे? आप हाथ मत लगाएंगे भी। अरे हम कर रहे हैं। हम समझे ना। मन हल्का, मन पवित्र हो जाएगा बाबू। नाराज हो गए कब ने रूपाली से? ओए बरखा हट। अरे क्या हुआ? बरखा को मिलकर बिजली को भूल गए क्या? दिन हो या रात, छोड़ो नदी बारिश की बात। दो मिनट में दो बरस का मजा चखा दूंगी, आओ मेरे साथ। अरे हम कमाल कर रही हैं, आप लोगों के नाम चिट्ठियां आई हैं, हम तो सिर्फ। ओ बाबू, एक म्यान में अगर तीन तलवार बारी बारी से जाए तो हो सकता है, पर अगर एक तलवार तीन म्यान में तो भैया ना तो तलवार रही है ना ही धार रही है। फिर भी अगर चाहो तो इन तीनों को ले जाओ, मजा मारो, पर देखो एडवांस में पैसा दे दो। कितना चमेला आता जा समझा जाके। देखिए आप समझ नहीं रही हैं। कैसे हो? अरे आप कमाल कर रही हैं, इन तीनों के नाम चिट्ठी आई हैं, हम तो सिर्फ देने आए हैं। तो तुम्हें डाक बाबू ने भेजा। पिछली बार बड़ा परेशान किया था इन मक्खियों ने, इसीलिए इस बार तुम आए हो। बूढ़ी बात और टूटी खाट, अपने लोगन को ही परेशान कर रहे थे। तुम का हो? चंदन मिश्रा। हमारा मतलब नहीं डाकिए, अभी नए नए आए हैं हम यहाँ। नया नया जूता हो या कुत्ता, काटता दोनों है। हम आपकी बात नहीं समझे। एक घर की रखवाली करत है और दूसरा टांगों की। देखिए हमें वो सब नहीं मालूम, हम तो बस चिट्ठियां देने आए हैं और देखे हम जा रहे हैं। देखो यहाँ की लड़कियां बड़ी अजीब है। लड़कियां नहीं है, मक्खियां हैं। कोई भी गुड़ की ढेली देखती है तो चिपक जाती है। दिख रहा है। और अगर वो ग्राहक नहीं निकला तो उसको भड़वा बना देती है। ए गंदी बातें मत करो, चलो बैठो, छोड़ो से। का नाम है तुम्हारा बबुआ? भूल गई हाँ। ओ, याद आया। का? चंदन। चंदन जी। चलो वहाँ बैठो। नहीं नहीं हम ठीक हैं। अरे बाबू जी, हम गंदे जरूर हैं लेकिन हमार जगह हर रोज धुलती है जी। आ दूध का धुला, बैठ जा, यहाँ धोया है हमने। लीजिए बैठ जाते हैं, ऐसी क्या बात है। ए डाक बाबू जी, पहले बिजली की चिट्ठी पढ़ दो ना, देखो ना बेचारी की क्या हालत हो गई है। जी हम पढ़े? हाँ। नहीं अब समय नहीं है ना, अब और भी बहुत सारी चिट्ठियां बांटनी है, अब फिर कभी। हाँ? अब अभी हम चलते हैं। ए हाँ? बैठ जा। हम नंगे लोग हैं। हाँ? और हमाम में कोई कपड़ा पहन कर आ जाए तो का होगा? का होगा? कपड़े के चिथड़े उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? और उका बाद वो बाहर जाने के लायक नहीं बचता है, इसलिए पढ़ पढ़ पढ़। आप तनिक। मेरी प्यारी दुलारी बिजली, कैसी हो तुम? समझ सकता हूँ कैसी होगी तुम, घायल की गति घायल ही जाने। हमारा हाल भी पूछो मत, बड़े घमंड से हम दोनों कहा करते थे ना कि मौज मनाओ मस्ती में, आग लगे बस्ती में। उस सब दिन याद करके हमारा दिल बहुत मचलता है, अंग अंग में सेरन सी होने लगती है और फिर जी करता है कि कहीं तोड़ फोड़ कर दू। मगर जब भी तेरे दांत कटे दांत, नाखून से खरोचे निशान देखता हूँ तो गाल पे हाथ रखकर सोचने लगता हूँ कि तू रात कब आएगी, जब नागन के समान
फुनकार फुनकार कर तू ढंग पे डंक मारती जाएगी और तड़प तड़प। अरे बाबू थोड़ा जोर से पढ़ना रे। ये तूने लिखा है का है सर मारा है पढ़। नहीं, नहीं, हम क्यों शर्माएंगे, हम बहुत बेशरम है। हाँ, बस अब तो भगवान का ही भरोसा है। प्रार्थना करो कि घर में कोई बीमार पड़ जाए ताकि बहाना करके वहाँ आ जाऊँ और क्या लिखूँ, तुम्हारे इंतजार में व्याकुल तुम्हारा मोहन प्यारे। अरे बिजली वाह तू कैसन नागन है रे, जो तुझसे डसवाने के लिए अपने परिवार को बीमार करने की प्रार्थना कर रहा है। अरे उके काटने का तो इलाज भी है, पर ईके काटने का इलाज सिर्फ ये है कर सकती है। साला रंडे पने की बात करता है, रखा रखता है पर पैसे नहीं भेज सकता। वैश्या को पैसा चाहिए, तू कितना कमाता रे? पैसे की बात हुई कहाँ है। अच्छा चल कोई नहीं, तू चिट्ठी पढ़ दे, ई का पैसा हम देंगे। एक और चिट्ठी, हमें जाना था, बहुत देर हो गई है। पढ़ते हैं पढ़ते हैं। बेटी चमेली माँ का स्नेह भरा प्यार। क्या माँ? माँ का स्नेह भरा प्यार। कैसी है रे तू, अपना ध्यान ठीक से रखती है या नहीं? सेहत का ख्याल रखना, अपने पापड़ गृह उद्योग की मालकिन पद्मावती जी को सादर नमस्कार कहना, यहाँ सब अच्छे हैं। और तुम लोगों का पापड़ गृह उद्योग कैसा चल रहा है? उम्मीद है अच्छा ही चल रहा होगा, जहाँ तुम जैसी लड़कियाँ मेहनत जी जान से कर रही हो, उन्हें तरक्की से कौन रोक सकता है। अगर हो सके तो अगली बार पैसा थोड़ा बढ़ा के भेजना, क्या करें, भगवान ने जिसका जीवन बोझ बना दिया हो वो अपनों पर तो बोझ बन ही जाते हैं। माफ करना, अपना ध्यान रखना, तुम्हारी माँ। घबरा मत माँ, अगली बार मैं जरूर ज्यादा पैसा भेजूंगी। इसके लिए चाहे मुझे खुद को और अधिक कायना परोसना पड़े। अरे सुन रही, रोले रोले अच्छी तरह से रोले, जब तक रोना धोना सुख दुख है तब तक मानो जिंदा है, नहीं तो सांस तो चलेगी लेकिन एहसास मर जाएगा। भाई बाप, डैड, चल, भाई बाप, चल महाराज के सामने, भाई बाप, चल, कुत्ता, बच्चा पैदा करेगा, साला कुत्ता, चूहों का बाप, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। साले, हैं, बाप बनने चला था, अब कम मर्दानगी घर छोड़कर आया है? जो महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहा है गीदड़ की तरह। उठो, बताओ परिचित हो मुझसे? जी महाराज। मैं पांचवी पीढ़ी का सबसे धर्म निरपेक्ष महापुरुष हूं, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं है कि तूने संतान प्राप्ति के लिए माता के पास ना आकर मुसलमान फकीर के पास क्यों गया, ऊंट का मांस क्यों खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों जैसा नहीं हूं, विशुद्ध व्यवसायी हूं। मेरे लिए सबसे प्रथम मैं हूं, उसके बाद देवी अर्चना, पंचायत, समाज, रीति रिवाज। एकदम बिजनेसमैन। अब जो मैं तुझे दंड दूंगा वो इसलिए नहीं कि तू मुसलमान फकीर के पास क्यों गया, वो इसलिए कि तूने अपना मुख क्यों खोला। वाह, तो दया से भी दयालु निकले महाराज, आपके विचार बड़े महान हैं। हाँ हाँ महाराज, ये गांव का, ये पूरा इलाका में ऐसा कोई आदमी नहीं है हाँ। जिसका सोच हाँ, आपके विचार से मेल खाता हूँ महाराज। वाह महाराज वाह, जय हो जय हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, बड़ा वैकुलता पिता बनने के लिए। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। समस्या क्या थी? ये तो एक तुच्छ कार्य था, अपनी पत्नी को भेज देता मेरे पास। अरे तू अगर दो शिशु का जन्म दे सकता है तो मैं तो एक महापुरुष हूं, एक ही बारे में 10 शिशु जन्म ले लेते। अब ये कहते महाराज, ऊंट का मांस खाने की बजाय
हमको अपनी पत्नी को आप ही के पास भेजना चाहिए था। चंडाल भूल तो तूने की है, परंतु तू मूर्ख भी है। मूर्ख क्योंकि मेरे लिए अल्लाह का वरदान और माता का फरमान सब एक समान है। समझ गया महाराज। असल दंड तो तुझे मैं अब दूंगा। जल्दी बताइए महाराज, दंड कौन सा है? बड़ी उत्सुकता से बैठे महाराज सुनने के लिए। जहां सत्य है वहां धर्म है, और जहां धर्म है वहां धन है। इसलिए सुबोध, इस मास से अगले 2 साल तक अपने प्रति मास की पूरी कमाई मेरे चरणों में भेंट करें। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज, महाराज खाने के लाले पड़ जाएंगे महाराज, घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुन। अगला 2 बरस तक हफ्ता में 2 बार अपना पत्नी को महाराज के पास भेज देना। नहीं महाराज, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। रोना बनकर हमारे पास समय नहीं। इन दोनों में से एक दंड का स्वयं चयन कर ले। जा। और सुन, जुबान और मुजरे वाली में एक ही समानता है, वो कहीं भी अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं सकते। गांट बांध ले, भेद खुला तो तेरे भभूत को तेरा भूत भी नहीं बचा सकता। असुरों की संहारिणी, भक्तों की पालनहारिणी, जय महाकाली। जय महाकाली। पकड़ा गया। चोर कभी कानून से नहीं भाग सकता, उसे जेल में डाल दो। क्यों रे खंसू, मना किया था ना इसके साथ खेलने को, और तुम लोगों को भी मना किया था ना। अगर घर वालों को पता चला तो घर से बाहर निकलना और खेलना सब बंद हो जाएगा। चलो जाओ यहाँ से, कहीं और जाके खेलो। चलो चलो। लेकिन इसके साथ नहीं। ओले ओले ओले, इतना बड़े होके रोते हैं, हमारे साथ खेलोगी, हमारी दोस्त बनोगी? इतने बड़े होके तुम रो रहे हो, चुप हो जाओ। तुम भी तो रो रही हो, तुम चुप हो जाओ। पहले तुम चुप हो जाओ। अच्छा हो गया। आजा राजा, आना रे, आजा आजा आजा, आना रे। तू कितना बोला था रे? 20 लूंगी। कलाट? अरे 15 चल 10 में आती हूँ, लेकिन उससे नीचा नहीं लूंगी। अरे नहीं, तू क्या बोला था रे? तुम्हारे पास कितना है रे? हमारे पास ये देख, पूरे 5 रुपया है। धत तेरी की। नहीं तो फिर साला इतना भाव तोल करके क्या? चल आधे मिनट में। अरे आ रही हूँ रे, चल चलना। साला 5 रुपए में दुनिया मांगता है। ए बिजलिया, ए चिकने, आनंद आजा, चल चला ना। कहाँ? बहुत दिनों के बाद तू पहले नहीं देख। अरे चल रहे, चल। क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू? अपनी माँ की जगह लेगी तू लाल बस्ती में? तुझे खेल लगे हैं ये सब? कैसे देख रहा था तुझे? ची, खेलने का बड़ा शौक है ना तुझे? ले, तेरे माँ की खेल की कमाई है, ले खेल ही के साथ।
अरे यार रंडिया, कितना देर लगाएगी रे? आ रही हूँ। तो का तो मालूम है हमार कोनो इज्जत नहीं, लेकिन अगर तू आज के बाद उस बच्ची की तरफ देखा तो सबके सामने नंगा करके तो हर आंख नोच लूंगी। लेट जा, बसंती आ रही है। जाए यहां से अब। तितली, चल रही, मत रो मत रो। चल तुझे कहानी सुना। कहानी सुनेगी? चल तुझे कहानी सुना। हाँ, आ जा रही, आ जा। तो का कहानी सुना। मजबूर ना ही हमार बच्ची तितली, ऊ तो ना कुछ मांगती है ना शिकायत करती है, ऊ तो सिर्फ प्यार करती है। हाँ, उका देखकर हम तुच्छ हो जाते हैं, ठान लेते हैं कि हम उका कमी को पूरा करेंगे, जतन करेंगे। तभी दूर पगडंडी पे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे याद आया, आज तो हाट है जहां लोग अपनी अधिकता को बेचकर कमी पूरी करते हैं। हम भी चल पड़े, पहुंचे। बेचने वालों की कतार में खड़े भी हो गए, साथ में चीखने भी लगे, आओ आओ ले जाओ मुस्कुराने का 5 रुपया, ठहकाने का 10 रुपया, हंसते हुए रोने का 20 रुपया। प्रेम बेचने आए हैं हम, प्रेम बेचने। दोपहर शाम में बदल गए, दाम कम किया, पर कोई ग्राहक नहीं। उधार का भी न्योता दिया, पर कोई ग्राहक नहीं आया। बहुत थक गए थे हम तितली,
बहुत थका था। सामान हाथ पर, कंधे पर, सर पर उठाया जाए तो उसका बोझ सह सके, मगर दिल का बोझ वो तो संभाले ना संभले रे। पर का करे, करना पड़ता है रे, संभालना पड़ता है। थक हार के हम चल दिए, ये सोचकर खुश थे कि अच्छा है, जब तक पहुंचेंगे हमारी तितली सो जाएगी। कब तक चली याद नहीं, समय का भेद मर सा गया था। फिर अचानक एक सरसराहट हुई और कोई झट से हमार गोद में आ बैठा। हम देखे तो ये हमार तितली थी, हमार तितली जो अपनी मुस्कुराहट से हमारा आंसू पोंछ रही थी। हम भी जोर से भींज लिए, आंसुओं का आशीर्वाद दिया और कहे, ना तितली ना, हम प्रेम ना ही बेचेंगे, किसी को ना ही बेचेंगे, ये सिर्फ तेरे लिए है मेरी बच्ची, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। अरे ये तो सो गई, आ हमारी बच्ची सो गई, तोका सुलाओ, तोका सुलाओ। माता को छुआ, बाहर फेंक दो इसे। महाराज गलती हो गई, महाराज कहां ले जा रहे हो इनको? महाराज दीदी सुनिए, दीदी ये हमका बचा, ये गलत हो रहा है, गलती हो गई महाराज, ये ठीक नहीं हो रहा है। देवी माँ तो सबकी माँ है, उनके पास जाने से, उनकी पूजा करने से आप किसी को रोकिए मत। आप तो इस मंदिर के धर्माधिकारी हैं, किसी भक्त को भगवान से दूर करते आपको शोभा नहीं देता। हमारी शोभा हमारी परंपरा है और परंपरा रंगपुर का प्रतीक है। इस अधर्मी ने उसका उल्लंघन करके हमारे महोत्सव में विघ्न डाला है। अपमान क्या है हमारे अधिकार का? ये कोई आवरण नहीं जिसे बदला जाए, आत्मा है, युगो युगों से और युगो युगों तक विद्यमान रहेगा। इसलिए कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, धर्म को यहाँ लोग ग्रंथों के जरिए नहीं बल्कि आपकी बनाई परंपराओं के जरिए जानते हैं, जो कि असल में एक ढकोसला है। वरना समाज में आज समानता क्यों नहीं? एक तरफ तो आप औरत की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उसकी इज्जत तक नहीं करते, जबकि देवी माँ भी एक औरत है और यही एक वैश्या भी। आप सब हमारी एक बात सुनिए, मत लीजिए किसी असहाय की हाय, आपकी हस्ती मिटा सकती है ये। ए! चुप हो जा डाकिया। बसंती के साथ ऐसा वैश्याना व्यवहार और हम चुप हो जाएं? जो दिन के उजाले में भगवान बने बैठे हैं, वो रात के अंधेरे में क्या क्या नहीं करते। क्रांति, क्रांति लाना चाहता है। मक्खन उबालने से आपके हाथ गिना जाएगा, दया करे भूलो महाराज। महाराज महाराज दूर हट, समझा दे इस बेचारिणी को, कोई शहरी कोई डकिया अगर मेरे रास्ते से भी गुजराना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये काहे नहीं लड़की समझती? हां
काहे नहीं समझती? धंधा तक बस, धंधा तक, उसके आगे कुछ नहीं। आज के बाद अगर तू उससे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मैं तेरी आंखें निकालकर हाथ काटकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, धंधा बंद कर दूंगा मैं। अरे ये काहे नहीं समझती? हम उनकी शान के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए कह रहे हैं। पैरों पे गिर के सही, लेकिन भुवन पंडा से माफी जरूर मांग लीजिएगा। आप हमें सलाह मत दें, हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए आप। अरे हमरी का मजाल जो आपको समझाने की कोशिश करें। पर एक बात है छोटे डाक बाबू, फिल्मी दुनिया और रंगपुर में बहुत फर्क है। वहाँ तो आखिर में हीरो जीतता है, और यहाँ हर हाल में जीत पंडो की होती है। भले ही रंगपुर इस दुनिया से अलग हो, मगर भगवान की नजरों से ओझल नहीं है। इसलिए सही और गलत का फैसला चिंटू वो एक ना एक दिन जरूर करेंगे, आप देख लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, करने दीजिए ना फैसला, आप का है बीच में कूद रहे हैं। फैसला न्याय ये सब भगवान करते होंगे, हमको एतराज नहीं है। लेकिन हम जो यहाँ देखते आ रहे हैं ना, यहाँ शादी हो या श्राद्ध, हर बात पर एकाधिकार भुवन पंडा का ही है। चिंटू आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया, भुवन पंडा यहाँ का पुजारी है, इसलिए भगवान की पूजा करें, खुद भगवान बनने की कोशिश ना करें। भुवन पंडा से पंगा लेने का मतलब समझते हो? मुसीबत को न्योता देना। मतलब भुवन पंडा अपनी महोत्सव की शोभा बढ़ाने के लिए आप सबको वहाँ बुलाता है, नचवाता है, गवाता है, उसके बाद आपको पूजा तक नहीं करने देता, आपको वहां से धक्के मार मार के बाहर निकाल देता है, और आप लोग उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहते। चंदन बाबू, आपके कारण भुवन पंडा हमें नल से पानी ना पीने दे और पोखर में कपड़े ना धोने दे। इस गांव का कोई भी बनिया हमें अन्न का एक दाना नहीं देगा। हमें भूखे प्यासे मरने को मजबूर कर सकता है, हम लोग ये सब नहीं चाहते। आप इन सब चीजों का कारण मत बनिएगा डाक बाबू। राजू हमारी बात समझने की कोशिश करो। चंदन तुम एक भोले भाले जवान लड़का हो, काहे उस शैतान के रास्ते का कांटा बनना चाहते हो? जाओ जाकर के उससे माफी मांगो। माफी उस धर्मी से? आवेश में विवेक मत खो चंदन। कल रात इस लाल बत्ती के आंगन में भुवन पंडा ने बसंती की जो दुर्दशा की है वो हमने देखी है। खून का घूट पी कर रह गए हम। ऊपर आओ और जिस काम के लिए आए हो संपन्न करो और यहां से प्रस्थान करो। महाराज हम अपनी औकात भूल बैठे थे, कल माफी चाहते हैं। इसमें उन वैश्यों की कोई गलती नहीं थी महाराज। वैश्या और देवी में आज के बाद कभी तुलना नहीं करना। लौ अगर बाती के अनुरूप ना चले, अहंकार में भवक उठे तो तत्काल बुझा दिया जाता है। बसंती को अभी एहसास होने लगता है कि तितली और चंदन एक दूसरे के काफी समीप आ गए हैं, उनमें काफी घनिष्ठता हो गई है। दिन में चंदन गांव में घूमते समय हमेशा उस प्रयत्न में रहता है कि कम से कम एक बार तितली से अवश्य मिले। तितली भी चंदन को देखकर इस प्रकार खुश होती है मानो वो उसी का इंतजार कर रही हो। उन दोनों की खुशियों के बीच उनकी उम्र का अंतर भी बाधा नहीं बन पाता, वह मासूम सा लगने लगा है। उसे यह एहसास हो गया है कि चंदन उन मर्दों से भिन्न है जो हमेशा उनके पास आते हैं। बसंती को चंदन की आंखों में हवस, उसके शरीर को पाने का लालच नहीं दिखता जो वो हर मर्द की आंखों में देखती आई है। अब वो चंदन के गुणों और व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध होने लगी है। कभी मजाक करते हैं, कभी डांटते हैं, तो कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। आप भी क्या सोचते होंगे ना हमारे बारे में डाक बाबू?
कभी जंगल, कभी गांव, तो कभी शहर। नदी कहां का नहीं बहती, तो क्या मानने वालों की नजरों में उसकी महिमा कम हो जाती है क्या? अभी देखो ये बहती हुई नदी की दिशा, ये आसमान में उड़ते हुए पंछियों की आजादी। अब ये सब देखकर पता नहीं क्यों लगता है जैसे जैसे हम घर आ गए। हम बताएं क्यों? क्योंकि तुम्हें इन सब में अपनी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आती हैं। इसके लिए हाँ तुम ठीक कहते हो ठाक बाब, लेकिन हमको हमारे लिए कोनो इच्छा नहीं, इच्छा है तो तितली के लिए। ये बात जरूर है, हम तितली को हम जैसी नहीं बनने देंगे। हम उनका भविष्य के लिए एक एक पैसा जोड़त रहे मालूम। उका दुख निगल जाऊं तो हमार जीवन सवर जाएगा। असल में बसंती, हम भी तुमसे ये बात करना चाह रहे थे, उसे यहाँ के माहौल से, यहाँ के लोगों से कहीं दूर भेज दो। तुम्हारा कोई रिश्तेदार कोई तो होगा। कहाँ डाक बाबू, हम बहुत छोटी सी थी तब हमार माँ गुजर गई। हमार बापू वो ढाक बजाया करते थे गांव में, पर बेचारे वो भी क्या करते, बहुत गरीब थे और शराब की भी आदत थी, तो वो बेचारे हमको बेच दिए। फिर वो भी गुजर गए। उका बात कोई, अरे जाने दो ना डाक बाबू, आओ तुमको हम एक बात बताएं। तुमका पता है का, हम चाहते हैं तितली पढ़े लिखे, खेले कूदे, बिल्कुल तो हर तरह। अच्छा। उको सच्चा प्यार मिले, उकी शादी हो, अच्छा परिवार मिले। डाक बाबू, हाँ? का हम तितली के लिए ये सब कर पाएंगे? जरूर कर पाओगे, और ये होगा, ये सब एक दिन जरूर होगा। बसंती, हमें माफ करना, हम अपनी औकात भूल बैठे तुम्हें छोकर।